हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए सभी की तैयारियां चरम पर हैं और ऐसे में बीजेपी ने देर से ही सही लेकिन अपने पत्ते खोल दिए हैं। दो दिन पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई और सोमवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। पहले चरण के मतदान में महज 3 दिन बचे हैं। ऐसे में वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का पत्ता पहले ही खोल दिया है। सोमवार को बीजेपी ने 48 पन्नों का संकल्प जनता के समक्ष रखा। जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद, मजबूत देश, मुद्रा योजना के जरिए स्वरोजगार, पाकिस्तान के साथ सख्त नीति जैसे बड़े मुद्दे रहे हैं और ये सभी मुद्दे राजनाथ सिंह ने संकल्पित भारत, सशक्त भारत को पढ़ते हुए दोहराया। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। इसके अलावा पिछले चुनावों में भी धारा 370 और राम मंदिर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी काफी आक्रामक रही थी, जो बीजेपी के इस बार के संकल्प पत्र में भी दिखा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाएंगे, जो भी संभव होगा वो सब राम मंदिर के लिए हमारी सरकार करेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। साथ ही घोषणा पत्र नहीं, बीजेपी इसे संकल्प पत्र कहकर जनता को नए सब्ज बाग दिखा रही है। जरा आप भी देखिए बीजेपी के संकल्प पत्र की खास बातें। किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा, देश के किसानों को 6,000 रूपए सालाना देने का वादा, किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए के लोन पर ब्याज नहीं, 1 लाख के लोन पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा, राम मंदिर पर सभी संभावनाओं को तलाशने का वादा, सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर बनाने का वादा, धारा 370 और 35A हटाने का वादा, कारोबारियों के लिए आयोग बनाने का ऐलान, राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन होगा, 2022 तक नए भारत के निर्माण का वादा, नए भारत के निर्माण के लिए 75 संकल्प, 3 तलाक पर कानून बनाने का वादा। तो 75 संकल्पों के जरिए सत्ता में आने की कोशिश के साथ ही बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह ने संकल्पित भारत, सशक्त भारत को पढ़ा, यानी सत्ता में आने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कोई पंचों के सहारे आगे बढ़ रहा है तो कोई 75 संकल्पों के साथ सत्ता में आने की तैयारी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पत्र वर्सेस यहां घोषणा पत्र की बात है और बीजेपी का इस संकल्प पत्र कई मानों में अलग नजर आ रहा है और इस संकल्प पत्र के जरिए नए वादे हैं और नई
तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि आने वाले समय में बीजेपी किस रास्ते पर चलने जा रही है। दरअसल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और साथ ही साथ देश के अंदर विकास लाने की क्या रूपरेखा होगी, इसकी तस्वीर अपने घोषणा पत्र के जरिए दिखाई गई। हालांकि बीजेपी से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के जन की आवाज से कितना अलग और कितना मिलता जुलता नजर आता है, जरा इस पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। सोमवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा गरीबों, किसानों और युवाओं से तमाम वादे किए हैं और ऐसा ही वादा कांग्रेस की तरफ से भी अपने घोषणा पत्र के जरिए लोगों से किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, देश की सुरक्षा के साथ किसी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो 124 से खत्म करेंगे। बीजेपी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। कांग्रेस अफवाह प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से को खत्म करेंगे। गरीबी पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के जरिए 72,000 रूपए सालाना देने का वादा। बीजेपी हर परिवार के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराने का वादा। कांग्रेस वादे के तहत 20% गरीब परिवारों को सीधे अकाउंट में पैसा मिलेगा। बीजेपी देश के सभी घरों में बिजली, पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस 5 साल में एक गरीब परिवार को योजना के तहत 3,60,000 रूपए मिलेंगे। किसानों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा। कांग्रेस किसानों के लिए एक अलग बजट लेकर आने का वादा। बीजेपी किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक के कर्ज लेने पर 5 साल के लिए जीरो ब्याज लगेगा। कांग्रेस कर्ज न देने पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। बीजेपी 25 लाख करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे। कांग्रेस मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करने की कोशिश। रोजगार पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टरों में रोजगार के देंगे अवसर। कांग्रेस मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बीजेपी पीएम मुद्रा योजना के तहत 17 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया गया। कांग्रेस 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में दिए जाएंगे रोजगार। बीजेपी 20,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं। शिक्षा पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी सभी शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाएंगे। कांग्रेस जीडीपी के 6% देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। बीजेपी 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। कांग्रेस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम के उपलब्धता बताना चाहते हैं। स्वास्थ्य पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कांग्रेस हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। बीजेपी 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लेकर आएंगे। कांग्रेस सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी 2022 तक देश के हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे।
तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से सत्ता में काबिज होने के लिए दावों और वादों के बाण छोड़ दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि जितने वादे और दावे पार्टियों की तरफ से किए गए हैं वो सत्ता में आने के बाद उन पर कितना अमली जामा पहनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को संकल्पित भारत सशक्त भारत का नाम दिया। कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र ले आई, यानी कि 6 दिन पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र, लेकिन उसने न्याय योजना का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान सम्मान निधि की बात की गई है। लोकसभा चुनाव 2019 का महामुकाबला जीतने के लिए कांग्रेस ने जन आवाज की जो गुगली फेंकी थी उसके जवाब में बीजेपी ने नकल बॉल इजाद कर लिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीब, किसान, युवा और महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश की है। साथ ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए अब की बार स्कोर 300 के पार का लक्ष्य रखा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले 5 साल का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा 2014 से 2019 के 5 साल स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। हमारी सरकार को बुनियादी जरूरतों को जनता तक पहुंचाने में सफलता मिली है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ...2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा, ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन और समृद्धि का पत्र बताया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र लगातार मेहनत का नतीजा है। संकल्प पत्र में जनमन की बात रखी गई है। जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर सांसद रतनलाल कटारिया ने इसे भारत की चौमुखी विकास और भारत को दुनिया में एक सिरमौर राष्ट्र बनाने वाला बताया। कटारिया ने कहा कि जल्द ही राम मंदिर बनेगा जिसका समय करीब है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के चौमुखी विकास के लिए, भारत को दुनिया का एक सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए आज अपना बहुत ही बेहतरीन घोषणा पत्र जो है आज वो जारी किया है। राम मंदिर जो है वो हमारा एक संकल्प है और उसे वक्त आने के ऊपर हम पूरा करेंगे। झूठों को तो झूठे ही नजर आते हैं। कांग्रेस जैसी झूठी पार्टी सारे देश के अंदर नहीं है। राहुल गांधी जी और उसकी जो ब्रिगेड है 2 ट्रक झूठ के लेके चलते हैं सवेरे और बांटते चले जाते हैं। ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई राष्ट्र के प्रति विजन है। एक तरफ बीजेपी ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर घोषणा पर विपक्ष भी पूरा हावी नजर आ रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताते हुए कहा कि अब तक बीजेपी ने पिछले घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। इस बार के घोषणा पत्र के वादे कहां से पूरे किए जाएंगे? पिछला जो इनका घोषणा पत्र अब तक तो इस 5 साल में वो भी लागू नहीं हुआ, अगला कैसे 22 तक पूरा करें? घोषणा पत्र लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है।
ये तो इन्होंने खुद ने माना है कि हमने तो जुमले दिए थे पिछली बार, जुमले दे करके वोट लिए थे। वहीं हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपी चंद गहलोत ने घोषणा पत्र पर किए गए वादों को लुभावना करार दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि घोषणा पत्र किसी पार्टी का हो, घोषणा पत्र में बातें बड़ी अच्छी लुभावनी बातें होती हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, परंतु रचनात्मक रूप से उस पर कितना काम हो पाता है ये देखने की बात है। पिछले 5 साल में भी हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले उन पर पिछले घोषणा पत्र पर कितना अमल हुआ। कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए वादों की झड़ी तो लगा दी, लेकिन देखना होगा कि जनता किस पार्टी पर कितना विश्वास करती है। क्या जनता कांग्रेस की जन आवाज पर गौर करेगी या फिर बीजेपी के संकल्प पत्र का साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।